अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब? ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लांट सिस्टमैटिक्स का लेक्चर नंबर 7। उसका टॉपिक है नोमेनक्लेचर। ठीक है, सो क्या टॉपिक है? दिस नोमेनक्लेचर उसका टॉपिक है। क्लियर? ओके, नोमेनक्लेचर क्या होता है? असाइनमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्टिव नेम टू ईच स्पीशी कॉल्ड नोमेनक्लेचर। कि किसी भी स्पीशी को डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है नुमाइंदा, जो दूसरों से डिफरेंट करता है उसको। स्पेसिफिक, मखसूस नाम देना किसी भी स्पीशी को मखसूस या स्पेसिफिक नाम देना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। स्पीशी को क्या करना, उसे हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। क्लियर? ओके, अब नोमेनक्लेचर क्यों बना? ठीक है, ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स थी रिगार्डिंग टू नेम, जिसकी वजह से नोमेनक्लेचर क्या है वो जो है ना हमें ज़रूरत पेश आई कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर हम स्पीशीज़ को क्या करें? डिस्टिंक्टिव नेम असाइन करें। प्रॉब्लम्स क्या थी? कॉमन नेम प्रॉब्लम कैसे थी कि हर कंट्री, हर लैंग्वेज के अंदर हर वेजिटेबल फ्रूट का अपना अपना कॉमन नेम होता है। अगर हमारे यहाँ पे हम अनियन को प्याज बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अमेरिका में उसको कॉमन नेम प्याज नहीं है, अनियंस बोलते हैं उसे। लैटिन में उसका कॉमन नेम और होगा, चाइनीज उसे कुछ और बोलते होंगे। तो हम सब के लिए इसको जो है आइडेंटिफाई करना वो क्या है? डिफरेंट है। तो अगर हम वही उसको एक साइंटिफिक नेम दे देंगे, जिसे हम कहेंगे एलियम सीपा, जो उसका डिस्टिंक्टिव नेम है, तो पूरी दुनिया जानती है कि एलियम सीपा किसे कहते हैं? अनियन को बोलते हैं। लेकिन पूरी दुनिया ये नहीं जानती कि प्याज को अनियन बोलते हैं। क्लियर? हम वर्ल्ड वाइड की बात छोड़ें, अगर हम अपने कंट्री के अंदर बात करें तो हमारे कंट्री के अंदर भी लोगों को प्याज को डिफरेंट नामों से बुलाते हैं, खरबूजे को डिफरेंट नामों से बुलाते हैं, तरबूज को डिफरेंट नामों से बुलाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या हुआ? नोमेनक्लेचर को इनिशिएट किया गया। ठीक है, कॉमन नेम्स के अलावा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के भी कॉमन नेम्स भी क्या थे, वो भी इसी तरह से आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते थे। अब जो बंदा प्लांट कलेक्ट करता है, अगर हमने यहाँ पे कोई प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हमने अपना कॉमन नेम लिखा हुआ है, कोई कलेक्टर आया उसको उसका नाम का पता ही नहीं, तो उसके लिए उस कलेक्शन के लिए प्रॉब्लम होती है। वही अगर हम बोटैनिकल नेम के साथ कोई प्लांट लगाया हुआ है तो वो ईजिली उसे कलेक्ट कर लेगा, उसे पता है कि ये कौन सा प्लांट है। बहुत सी वाइल्ड स्पीशीज़ ऐसी होती जिनका हमें नहीं पता होता, हमें उनका पता ही नहीं था, हम उनका कॉमन नाम कैसे रख सकते हैं, लेकिन उनका साइंटिफिक नाम ज़रूर असाइन होता है जिसकी वजह से हम उसे पहचान सकते हैं। कॉमन नेम हमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताते, ये भी एक प्रॉब्लम था। ठीक है, ग्रीक और लैटिन जो सिक्स क्या है कि ग्रीन और जो लैटिन्स हैं वो इसको क्या करते हैं, वो ज़्यादा इंटरनेशनल स्कॉलर्स वो हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्कॉलर्स क्या हैं? ग्रीक और लैटिन्स हैं, तो उनको डिफ़िकल्ट होता है बाकी नामों को पढ़ना, इस वजह से इनको सॉर्ट आउट करने के लिए नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, अब हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर के, नोमेनक्लेचर्स के क्या फीचर होते हैं। कार्लियस लिनियस ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो था, बायनोमियल है ना, बाय का मतलब टू, नोमियल मतलब नेम, नोमेनक्लेचर ऐसा सिस्टम जिसमें नाम असाइन किए जाते हैं, दो नामों पर मुश्तमिल ऐसा सिस्टम जिसके अंदर स्पीशी को डिस्टिंक्टिव नाम असाइन किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? असाइनिंग नेम। बायनोमेनक्लेचर जिसमें हम दो नामों को असाइन करते हैं, एक स्पीशी को दो नाम असाइन करते हैं, एक कौन सा होता है? जेनेरिक नेम होता है, और एक क्या होता है? स्पीशी नेम होता है। जेनेरिक नेम जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और जो जो ये नेम वो जो और क्या होता है? जीनस नेम कैपिटलाइज होता है। जो जेनेरिक नेम है वो नाउन होता है, और नाउन मतलब कि अगर जो जीनस का नाम है ना वो किसी सिटी के नाम पे या जिसने कलेक्ट किया उसके नाम पे रख दिया जाता है, और जो स्पीशी का नाम है वो उसमें जो खसूसियत होती है उसकी बेस पे नाम रखा जाता है। जीनस हमेशा कैपिटलाइज होता है, मतलब उसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ग्रीक या लैटिन वर्ड में लिखे जाते हैं नाम, अंडरलाइन किए जाते हैं या उन्हें अटैलिसाइज किया जाता है। नेम ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट, टैक्सोनॉमिस्ट का नाम भी एंड पे लिखा जाता है, लाइक जैसे कॉफिया अरेबिका लिन मतलब लीनियस, कि लीनियस ने इसको डिस्कवर किया था, या इसको टैक्सोनॉमिस्ट क्या है? इसका लीनियस है। एल्बिजिया लैबक, ठीक है, उसके बाद क्या है? लिन बेंथ, इसमें मतलब पहले लिन ने भी इसको किया हुआ है, उसके बाद बेंथ ने भी क्या किया? इसको आइडेंटिफाई किया। क्लियर? ये हमने क्या पढ़ी हैं? प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं। ये हमने क्या पढ़ा है? इंट्रोडक्शन बायनोमियल नोमेनक्लेचर का।
अब हम पढ़ेंगे कि ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर के क्या रूल्स होते हैं। ओके जी, अब हम देखेंगे ICBN, मेन पॉइंट्स ऑफ ICBN। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। पहले ये 2005 में इसके रूल सेट किए थे वियना में, ठीक है। उसके बाद मेलबोर्न में इसके रूल सेट किए थे 2011 में। अब हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट्स में तीन चीज़ें आती हैं, प्रिंसिपल, रूल और रिकमेंडेशन। जो प्रिंसिपल होता है ना, वो जिस तरह हम हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग बनाते हैं ना किसी चीज़ के, हम 10-12 हेडिंग्स बनाते हैं, तो जो प्रिंसिपल जो हेडिंग्स होती हैं ना, वो एक्चुअली प्रिंसिपल्स होती हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल ऐड नहीं करते, बस उन्हें थोड़े से 2-3 वर्ड्स के अंदर ही हम उस चीज़ को बता देते हैं, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। रूल क्या होती है? इस प्रिंसिपल की जो हम अगर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मतलब इस प्रिंसिपल जो हेडिंग है उसको अगर से हम ब्रीफ करके उसका लेंथी पार्ट लिखते हैं, उसकी ब्रीफिंग लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रूल बोलते हैं। और रिकमेंडेशन की जो ये रूल्स हैं उनको हम अप्लाई करवाएं, ठीक है, फिजिकल अप्लाई कराएं उनको, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकमेंडेशन। अब इसके इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका रूल है मेथड ऑफ नेमिंग। मेथड ऑफ नेमिंग क्या होता है? पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो एक नाम है वो किस पे मुश्तमिल होता है? दो नामों पे। एक होता है जेनेरिक नेम, एक होता है स्पीशी नेम। जेनेरिक नेम क्या होता है? नाउन। स्पीशी नेम क्या होता है? एडजेक्टिव। क्लियर। रैंक ऑफ टैक्सा, सेकंड आ गया रैंक ऑफ टैक्सा। रैंक ऑफ टैक्सा का मतलब है कि सबको, जितने भी प्लांट्स हैं उनको टैक्सा के अंदर अरेंज किया जाए। फॉर एग्जांपल स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ठीक है, फिर फाइलम और फिर किंगडम के अंदर। फैमिली को एंड किया जाए ACAE, मतलब जो फैमिली का नेम है उसके एंड पे क्या है? ये वाला सुफिक्स आए, जिस तरह रोजेसी, कुकरबटेसी, चिनुपडेसी, पेपावरेसी, ग्रेमिनेसी, पोएसी, तो सब फैमिली के एंड पे क्या आता है? ACAE आता है। और ऑर्डर्स के एंड पे क्या है? एल्स, जैसे कि बेनिटेल्स, कोनीफरेल्स, जिंकोगोएल्स, सब ऑर्डर्स के एंड पे क्या है? ALES, एल्स आए, जो है जिसका सुफिक्स होता है। टाइप मेथड, टाइप मेथड क्या होता है? अब टाइप मेथड के हम कह रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं कि हमने कोई न्यू चीज़ मिली है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि ये जीनस, ये इस जीनस की टाइप है। इसका मतलब वो क्या हुई? स्पीशी हुई। एक जीनस की डिफरेंट स्पीशीज होती है ना, हम कहेंगे कि ये वाले इस जीनस की टाइप है, इसका मतलब वो क्या है? स्पीशी है। अगर हम कहें कि ये वाले जो चीज़ है ये इस फैमिली की टाइप है, तो वो क्या होगी? जीनस होगी। एक जैसे जीनस क्या बनाती हैं? एक फैमिली। तो अगर एक जीनस की दूसरी टाइप आ गई तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या है? फैमिली है। क्लियर। फोर्थ वन है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि जिस बंदे ने उसको आइडेंटिफाई किया है, उसको नेम दिया है, वो क्या है उसकी अथॉरिटी है। जैसे लीनियस ने क्या किया? सुलेना मेलंगुएना का नाम रखा है, तो ये जो लीनियस है वो क्या है? इसकी अथॉरिटी है, इसलिए हम नाम के एंड पे आगे उसका नाम भी लिखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब है कि जैसे एक बंदा है, ठीक है, वो दो नामों को कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब होता है कि अगर हमें मिस्टेक लग गई है कि एक जो स्पीशी है लेकिन उसके दो नाम हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि ब्रासिका नापस और ब्रासिका रापा, ये दोनों ना शलजम के नाम हैं, ठीक है, टर्निप के, तो अगर इस तरह की मिस्टेक लग जाए तो हम जो नया नाम होता है ना उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और पुराने वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, कि जो पुराना नाम है ब्रासिका नापस वो हम कहेंगे ये सही है, ब्रासिका रापा ये गलत है। क्लियर। उसके बाद है टोटोनिम्स। टोटोनिम्स होते हैं कि बहुत से ऐसे नाम्स होते हैं जिनमें स्पेलिंग सेम ही होते हैं, स्पीशी के भी और जीनस के भी। जिसना ये लैलस मैलस है, ठीक है, लैलस मैलस क्या है? सिमिलर, बट बॉटनी के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लांट्स के नेम हम ऐसे नहीं रख सकते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इलीगल है, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये एक्सेप्टेबल है। उसके बाद है नेम ऑफ फैमिलीज, के जो नेम ऑफ फैमिलीज हैं उसकी, वो नेम ऑफ फैमिलीज अक्सर जीनस या स्पीशी की बेस पे रखे जाते हैं। जिस तरह रोजेसी किसकी बेस पे रखा हुआ है? रोज, जो उसका एक जीनस है। उसके बाद फिर जो है कुकरबिटेसी, वो किसकी बेस पे रखा हुआ है? खीरे हैं ना, वो कुकरबिट्स हैं, उनकी बेस पे रखा हुआ है। इस तरह से फैमिलीज के नाम किसके बेस पे रखे जाते हैं? जीनस की बेस पे। नेम्स ऑफ इंफ्रा स्पेसिफिक। नेम्स ऑफ इंफ्रा स्पेसिफिक का मतलब है कि बहुत सारी, जैसे बनाना है तो बनाना की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो बनाना का नाम मूसा पैराडाइस है, तो हम सारी टाइप्स के नाम डिफरेंट नहीं रख सकते, हम सारी वैरायटी को एक ही नाम से बुलाएंगे। अनियंस की डिफरेंट वैरायटी हैं, तो हम उनको डिफरेंट नाम नहीं दे सकते, उन्हें सब वैरायटीज़ को एक नाम से ही बुलाएंगे।
इसको हम कहते हैं नेम ऑफ इंफ्रा स्पेसिफिक। नए नए डिस्कवर न्यू स्पीशी, अगर कोई चीज़ कोई जो डिस्कवरर है वो न्यू चीज़ डिस्कवर कर रहा है तो हम उसको जब उसको पब्लिश करते हैं तो उसका डेट साथ लिखते हैं, फिर उसकी लोकेलिटी कहाँ से हमने डिस्कवर किया वो साथ लिखते हैं, और फिर वो हर्बेरियम का नाम लिखते हैं जिसके अंदर हमने इसको रखा है न्यू प्लांट को। ठीक है, न्यू डिस्कवरी जब हम करते हैं उसको जब हम लिखते हैं तो डेट लिखते हैं साथ, उसकी लोकेलिटी लिखते हैं, और जिस हर्बेरियम में उसको रखा है वहाँ का एड्रेस भी लिखते हैं। इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन, अब कोई चीज़ नहीं तो डिस्कवर हो गई है हम उसे बातों में नहीं रख सकते बल्कि उसे पब्लिश करते हैं, जब तक वो पब्लिश हो के एक प्रिंट फॉर्म में पेपर पे नहीं आ जाती, जो जर्नल्स होते हैं बड़े बड़े जर्नल्स हैं, जो भी चीज़ हम नई रिसर्च आती है ना पहले वहाँ पब्लिश होती है, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, फिर उसको प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, फिर मतलब ये एक्सेप्टेड हो गई है। जब तक ऐसी बात नहीं आ जाती हम किसी चीज़ को न्यू डिस्कवरी नहीं मान सकते। दिस इज़ इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन, अगर कोई चीज़ जर्नल के पास गई है, जर्नल ने उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है, वो पब्लिश हो गई है, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, न्यू चीज़ डिस्कवर हुई है, उससे पहले हम उसे डिस्कवर नहीं मानते। चेंज इन नेम व्हेन टैक्सा रीडिवाइड, फॉर एग्जांपल हम आगे से टैक्सा को डिवाइड कर रहे हैं, एक जीनस है उसको हम कह रहे हैं कि इसके आगे से इस फैमिली में से और बहुत से जीनस निकलती हैं, पहले इस फैमिली की 10 जीनस थी लेकिन अब इस फैमिली की क्या है 12 जीनस है, तो हम उस फैमिली का नाम चेंज नहीं करते, हम फैमिली को वैसे के वैसे रहने देते हैं लेकिन आगे से उसके नाम को डिफरेंट जीनस के नाम को डिफरेंट कर देते हैं। फॉर्म एंड स्पेलिंग, फॉर्म एंड स्पेलिंग का क्या मतलब है कि हम किस फॉर्म में लिखते हैं, उनके स्पेलिंग क्या होते हैं, अंडरलाइन करते हैं, इटैलिसाइज लिखते हैं, अगर हम स्पीशी का पता है, अगर हम एक ही जीनस की 4-5 नाम लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे जीनस लिखें, सोलैनम ट्यूबरिज्म, सोलैनम मेलिंगाना, तो हम अगर हमें दोनों का नाम पता है जीनस के तो हम सिर्फ एस लिख के आगे स्पीशी का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि जीनस का नाम तो सिमिलर है ना, तो सिर्फ हम एस लिख के स्पीशी का नाम लिख सकते हैं, उन्हें अंडरलाइन करेंगे या उन्हें इटैलिसाइज करेंगे। क्लियर, ये थी ICBN के रूल्स, ठीक है, और नोमेनक्लेचर, ICBN के इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। क्लियर, यह अपनी बुक जो मैंने आपको रेकमेंड की है ना, प्लांट सिस्टमैटिक पेपर बी रैम रियाजुल अकरम में, उस पर आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आपने इसको लर्न कर लेना है। ओके, थैंक यू।